देख रहे हैं आवाम के उठाए गए सवाल, हालात आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, बैन अल-अक़वामी तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मुतालबात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तानी पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में होने वाली कानून साजी के बाद हिज़्ब मुखालिफ की जमातों का ये कहना है कि कानून साजी सिर्फ FATF की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं बल्कि हुकूमत मुखालिफ लोगों को निशाना बनाने के लिए भी की गई है। FATF से मुतालिक कानून साजी का जो सारा मामला है इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। FATF एक बैनल हुकूमती इदारा है जिसका क़याम 1958 में अमल में आया था। जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान को इस सिलसिले में ज़रूरी इकदाम उठाने के लिए अक्टूबर 2019 तक का वक्त दिया गया था, जिसके बाद 4 महीने की तौसीक कर दी गई थी। फिर सितंबर 2019 को 14 से 21 को होने वाली FATF की मीटिंग में इस बात का जायज़ा लिया जाएगा ये कहा गया था। बाकी 13 मामलों पर भी पाकिस्तान ने कितनी पेशरफ्त की है इस हवाले से भी बात की गई। फरवरी 2020 में FATF ने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने उसके 27 मुतालबात में से 14 मुतालबात पर अमल दरामद किया है और काफ़ी हद तक मामलात मुतमईन तौर पर नज़र भी आने लगे। हाल ही हफ्तों में भी हमने देखा कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान ने अपना केस पहले तैयार किया, जिसको तैयार करने में काफ़ी हद तक तेज़ी भी आई है और मसरूफ़ भी है पाकिस्तान, जिसके बाद ही कल के ये पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में कानून साजी भी हुई है, जिसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मुबारकबाद भी दी हुकूमती और अपोजिशन की जमातों को दोनों तरफ। लेकिन सवाल ये उठता है जो कि कल से इस वक्त ज़ेर बहस है कि 36 अरकान हिज़्बे इख्तलाफ़ की जमातों के और 16 अरकान अपने हुकूमत के आखिरकार कल गायब क्यों थे। अपोजिशन की जमातें ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि जिस तरह से सेनेट के जो सरबराह हैं उनको, सेनेट के चेयरमैन यानी उनको हटाने के लिए माजी में जिस तरह से सेनेटर्स को मैनेज किया गया जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई सेनेट के अंदर, उसी तरह से हिज़्ब इख्तलाफ़ की जमातें ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि कल की कानून साजी में भी इस तरह से मेंबरान को मैनेज किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अपोजिशन जो है वो इतनी कमज़ोर है और अपोजिशन में बैठे हुए लोग अपनी सफ़ों में उनके डिवाइड हैं और एक पेज पर नहीं हैं, तो आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी और आज जो APC हुई ख़ास तौर पर भी, क्या इसमें भी सब एक पेज पर मुतफिक हो सकेंगे, क्योंकि सामने से और पीछे से मामलात यकसर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो FATF की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कानून साजी के लिए हिज़्ब मुखालिफ की जमातों की तरफ से जो तरहीम कल पेश की गई थी उन सब को मुस्तरद कर दिया गया था, ये भी अपोजिशन ने एक इल्ज़ाम आयद किया है। इसी हवाले से हम आज सबसे पहले बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये भी मामला कि FATF बिल पास होना जो है वो हुकूमत की, चूँकि हुकूमत समझती है उसकी बड़ी फतह है, और आज हुकूमत के ही वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने भी इस बारे में कहा बात की। लेकिन एक तरफ उन्होंने ऑपोजिशन ने जो FATF बिल की मुखालफत की है उस हवाले से भी एक दफ़ा फिर ऑपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। अब सवाल यह है कि वो कौन से शोबे हैं जिनमें बेहतरी की ज़रूरत है मज़ीद, और FATF से मुतालिक अमरीका पाकिस्तान के लिए अब क्या कर सकता है। इन 14 सेक्टर्स में भी जिनके हवाले से अब कानून साजी हुई है जो मामलात रह गए थे, क्या ये भी मुतालबात के ऊपर अब अमल दरामद मुकम्मल तौर से हो जाएगा, और क्या इसके बाद जो है अब कुछ पाकिस्तान के लिए हमें मुस्बत रोशनी की उम्मीद नज़र आती है आगे जाके, ये भी सारे सवाल आते हैं। साथ ही साथ जी पाकिस्तान ने जो ये इकदाम किए हैं इसको किस हद तक और आगे सराया जाएगा, क्योंकि हमने देखा था माजी में पाकिस्तान के लिए तुर्की, चाइना और मलेशिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के हक़ में वोट दिए, और जहां सऊदी अरब का मामला था वो बीच में आया। बहरहाल इस सारी सिचुएशन पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अरशद वहीद चौधरी साहब, हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, आप एंकर पर्सन हैं, आपको खुश आमदेद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अरशद वहीद चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। माय प्लेजर जी। अरशद वहीद साहब,
आपकी बड़ी गहरी निगाह होती है पार्लियामेंट का कोई भी मामला हो उसके ऊपर, और कल का ये बड़ा दिन जो कि हुकूमत अपनी जिसको कामयाबी समझ रही है और ऑपोजिशन जिसकी वजह से बड़ी नाला नज़र आती है। सबसे पहले तो एक चीज़ जो कि बड़ी ही कल से ज़ेरे बहस है कि 16 अरकीन हुकूमत की तरफ से, और हम बात करें अगर 36 अरकीन जो हैं वो हिज़्बे इख्तलाफ की जमातों से कल गायब थे, लेकिन उसके बावजूद जो सारा मामला हुआ वो हमारे आपके सबके सामने है। ये कानून साजी जो है वो बहुत स्मूथली लगा इस तरह से कि ऐसे हुकूमत ने पास करवा ली हो, आप इस पर क्या कहेंगे? जी एक तो ये मैं थोड़ी सी तस्दीक करूं कि कल डेफिनेटली चैनल्स ने उस वक्त जो न्यूज लाई थी उस पर यही था कि 36 अरकान जो हैं वो पुलिस के गैर हाजिर हैं और 16 अरकान जो हैं वो हुकूमत के उसमें गैर हाजिर पाए गए। लेकिन आज जो डाटा सामने आया है उसके मुताबिक ये तादाद थोड़ी कम थी, उसमें 23 अरकान जो हैं वो कौमी असेंबली से मजबूरी तौर पर गैर हाजिर पाए गए हैं, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के शामिल हैं, और इसी तरह 18 सेनेटर्स जो हैं वो गैर हाजिर पाए गए हैं दोनों तरफ से, अपोजिशन के भी और सेनेट के भी। तो ये तकरीबन कल ये जो तादाद थी गैर हाजिर लोगों की ये 41 बनती है। अच्छा। इसमें अब अगर हम देखें तो अपोजिशन के तकरीबन जो कौमी असम्बली से थे अरकान जो गैर हाजिर रहे हैं जी, उनमें 15 अरकान हैं, 2 नशस्तें उनकी खाली थी, तो टोटल जो अपोजिशन के 17 बनते हैं, उनमें से 15 ये लोग जो हैं अपोजिशन के कौमी असम्बली से अरकान गैर हाजिर थे और हुकूमती साइड से 6 अरकान जो हैं वो गैर हाजिर उसमें रहे हैं। जबकि जो सेनेट है, सेनेट में अपोजिशन के जो गैर हाजिर पाए गए हैं उनमें मुस्लिम लीग नून के 7 सेनेटर थे, पीपल्स पार्टी के 3 थे, जेयूआईके के 2 थे, जबकि 4 इंडिपेंडेंट थे, नेशनल पार्टी का 1 था, पख्तूनख्वा मैप का 1 और एएनपी का भी 1 सेनेटर था। तो इस हवाले से ये अगर देखी जाए सूरत हाल, तो अगर ये लोग अपोजिशन के खास तौर पे अगर इस इजलास में वो हाजिर हो जाते तो वो यकीनन हुकूमत को इस जो सेटअप से रिलेटेड बिल्स थे जो कानून साजी हो रही थी उस पर आसानी के साथ शिकस्त दे सकते थे। सही। लेकिन उन्होंने बाद उनमें से ऐसे भी लोग सामने आए हैं जो पार्टी के अंदर अब उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो देख रहे हैं कि ये उनमें से बाद लोग बगैर बताए वो गैर हाजिर पाए गए हैं, तो इसलिए अब पार्टी जो है वो उनके खिलाफ देखें क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपोजिशन की, बिलखसूस जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे चेयरमैन सेनेट के, तो उस दौरान भी बड़ी तादाद में अपनी अक्सरियत रखने के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त हुई थी, और तब भी ये दावे किए गए थे कि हम इन लोगों का सुराग लगाएंगे और इनके खिलाफ रिएक्शन होगा, लेकिन किसी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस हवाले से इसमें भी यही होगा कि बस 2-3 दिन शोर शाबा होगा और उसके बाद ये मामला माजी की तरह ठप हो जाएगा। जी अच्छा अर्शद भाई चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा फिर इस वक्त अपोजिशन हर प्लेटफॉर्म पे बैठकर इतनी चीखों पुकार कर रही है, आज एपीसी में भी इसके ऊपर बात हुई खासतौर पे, और कल ही जबकि हमने देखा था जैसे ही वॉकआउट किया अपोजिशन ने, उसके बाद रावल भुट्टो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रहे थे हुकूमत खिलाफ, लेकिन अगर चूँकि अभी जैसे कि आपने हमें बता भी दिया कि कितने अरकान जो हैं वो गैर हाजिर रहे अपोजिशन की तरफ से ही, चाहे वो सेनेट हो या कौमी असम्बली, तो फिर इनसे बासपुरस नहीं हो रही, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमें नहीं लगता, चूँकि माजी में भी हमने देखा पीपल्स पार्टी को पता भी चल गया था कि सेनेट में किस तरह से पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स मैनेज हुए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई खातिर खाल कार्रवाई नज़र नहीं आई। दो कि अभी इस वक्त ये जो सिचुएशन है इसके बाद भी तो ये कौम से और जिस तरह से और मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के जो बात हो रही है सारी, उसमें और फिर अमलन सारी सिचुएशन में क्या फ़र्क है जिसकी वजह से इस तरह से हुआ? क्या वाकई अपोजिशन नहीं चाहती थी कि जो है वो फेटिफ के मामले के ऊपर किसी तरह से अपोज किया जाए हुकूमत को? क्या इस सारे नतीजे से यही अखज़ होता है? जी दीदा, इसमें जो फेटिफ से रिलेटेड कानून साजी है, इसमें जो तकरीबन उससे पहले 12 बिल पेश किए गए और वो मंजूर हुए, उसमें अपोजिशन ने अपना भरपूर इनपुट दिया और कॉमन भी किया, और उनकी जो इस लेजिस्लेशन में उनकी जितने भी अमेंडमेंट्स थी उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया, हुकूमत के साथ उन्होंने मिलके ये कानून साजी की। लेकिन ये जो 2 बिल्स ऐसे थे खास तौर पे जिसमें इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग वाला बिल था और वर्क प्रॉपर्टीज वाला बिल जो अपोजिशन ने उनको सेनेट से मुस्तरद किया था,
तो इसमें अपोजिशन के तहफात जो थे वो ये थे कि इस इन कानून साजी की आड़ में फैक्टर्स से रिलेटेड ये जो दो बिल्स हैं इसमें हुकूमत कुछ ऐसी शिकें लाना चाह रही है या कुछ ऐसे कानून मंजूर करवाना चाह रही है कि जो कल को ना सिर्फ सियासी जमातों के खिलाफ बिल्कुल अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे बल्कि वो किसी भी इंडिविजुअल जो शख्स है या कोई कारपोरेट बॉडी है या कोई ऐसा इदारा है उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती हैं। तो इसमें भी अमेंडमेंट उनकी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए जो अपोजिशन ने उनको उनके साथ वादा ख्याल भी किया, मशावरत भी बैकडोर रास्तों के जरिए हुई लेकिन वो खैर वो नहीं उसमें वो की जा सकी। लेकिन अपोजिशन अगर सिर्फ जो सूरत हाल है वो सिर्फ अदबी अक्सरियत की वजह से हुकूमत को वहाँ पेशकश दे सकती थी मुश्तरका इजलास में, लेकिन जैसे आपने अपने सवाल में बोला कि अपोजिशन जब भी मौका ऐसा आता है कि जहाँ पे इन्होंने प्रूव करना होता है तो वहाँ पे अपोजिशन की सफ़ों के अंदर ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो हुकूमत को और फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं। आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके तनाजर में उनको अगर देखा जाए तो वो हो सकता है कि किसी भी दबाव के तहत वो ये काम करते हों, लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि अपोजिशन की सफ़ों में फिर वो हमें इतिहाद नज़र नहीं आता और यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इन पे और खास तौर पर जो छोटी जमातें हैं बीजेपी में शामिल हैं वो ना सिर्फ इनसे खाइफ हैं बल्कि वो इनपे बात करने के लिए तैयार नहीं है। और लास्ट जो उनकी रेफर कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने इनसे गारंटी मांगी थी कि जी आप आइंदा जो है वो जो मामला तय होंगे उस पर दोनों खास तौर बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर चलेंगी। लेकिन यही वो मामला हैं ये तकसीम के जिसका फायदा जो है वो इस वक्त हुकूमत को भी हो रहा है और साथ जो अपोजिशन है उसको फिर इसको भुगतना भी पड़ रहा है। अच्छा ये भी बताइएगा अर्शद भाई चौधरी साहब, देखिए अब तो चूंकि कानून साजी हो गई कल और जाहिर सी बात है जब मुश्तरका इजलास होता है उसके बाद तो चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाती हैं और आज हमने देखा भी कि जिस तरह से फिर उसके बाद मौक़िफ़ आता रहा रज़ा रब्बानी साहब का भी, सेंटर रज़ा रब्बानी साहब का मौक़िफ़ आया, उसके बाद जो है सेंटर जावेद अब्बासी साहब ने जो कहा, फिर वो सारी चीज़ें उन्होंने जो एलिगेशन लगाया कि जी उजलत में की गई हैं और ये सारी चीज़ें इस तरह से उन्होंने कहा कि जी जमातों को अददी बरतरी होनी चाहिए थी तो बिल कैसे मंजूर हो गए, इस तरह के स्टेटमेंट्स भी हमारे सामने आते रहे हिजब इख्तलाफ की जमातों की तरफ से लेकिन इस हिजब मुखालिफ की जमातों की तरफ से। लेकिन अब सवाल यही है कि चूंकि कानून साजी हो गई है और अब हुकूमत ने जिस तरह से चीज़ें करनी थी वो हो भी गई हैं स्मूथली एग्जीक्यूट, अब आगे आइंदा आने वाले दिनों में चूंकि अब ये एफएटएफ की कानून साजी हो गई है तो क्या इसके बाद अब जिस वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था क्या वो सारी चीज़ें अब नर्म हो सकती हैं और आगे जाके चूंकि अब 27 में से पहले बताया जा रहा था मुतालबात में से 14 पर तो ऑलरेडी अमल दरामद कर लिया गया था पाकिस्तान की तरफ से, अब क्या बाकी जो रह गए थे वो सारी चीज़ें भी जो हैं क्लियरली हो गई हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा आफ्टर दिस कानून साजी? जी बिल्कुल, ये तो अब की जा सकती है क्योंकि जो फैटअप की जो रिक्वायरमेंट थी उसमें ऑलमोस्ट ये जो अब कानून साजी हालिया दिनों में हुई है हालिया महीने में हुई है इसके जरिए अब वो पाकिस्तान तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर सकेगा कि जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट की तरफ जाने से भी बचा लेगा और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी बाहर निकल आएगा। और यही बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत जो है उसका दावा भी यही है और वो ये कह रहे हैं मुसलसल के अपोजिशन जो है ये मुल्क दुश्मनी कर रही थी अगर इसने इन बिल की मुखालफत की है और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो फिर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होते। लेकिन यहाँ पे ये बात बड़ी ज़रूरी है कि सेटअप से रिलेटेड जो कानून साजी है उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत सी शिकें कवानीन में ऐसी भी हुकूमत ने मंजूर करवाई हैं कि जो कतअन सेटअप की रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन वो हुकूमत वक्त ने उस मौका को मुनासिब जानते हुए और इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ऐसी कानून साजी भी इसमें की है कि जो जिसको वो किसी भी टूल के तौर पर यूज़ कर सकती हैं, जैसा कि पहले भी उन पर इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं कि नैब कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है अपोजिशन के खिलाफ और सियासी मुखालफीन के खिलाफ। तो इस तरह ये जो खास तौर पर इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट जो पास हुआ है और जो एंटी टेररिज्म वाला बिल पास किया गया है तो इसमें कुछ ऐसी शिकें शामिल हैं कि जिनको सियासी मकासद के लिए और ख़ास तौर पर अपोजिशन को मजीद दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो अब APC होने जा रही है अपोजिशन जमातों की तरफ से उसमें यकीनन अब हुकूमत को आने वाले दिनों में कुछ थोड़ा
टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन को जिस हद तक दिन ब दिन दीवार के साथ लगाया जा रहा है और जो उनके रहनुमाओं के खिलाफ आए रोज मुकदमात कायम हो रहे हैं, उनकी अदालतों में पेशियां हो रही हैं, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए फिर यकीनन जो है वो अपोजिशन अब कोई हतमी लाहे अमल 20 सितंबर को मुरतब करेगी। और इसके साथ मैं ये भी कहूँ कि अब चूंकि मार्च में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं सेनेट के, तो अपोजिशन की ये कोशिश होगी कि उससे पहले ये इस हद तक मामलात को कर देंगे। ये जैसे आज इस पे इंडिकेशन भी दी है बिलावल भुट्टो जरदारी ने एपीसी में जो हुई, जहाँ पे पाकिस्तान बार काउंसिल की, कि हो सकता है कि फिर ये जो पार्लियामेंट है हम देखेंगे कि इसको चलने देना है या नहीं चलने देना। अगर ये इसी तरह रबर स्टैम्प का रोल प्ले करती है तो फिर जैसे एक इज्तिमाई इस्तीफों की तजवीज है वो भी इस एपीसी में जेर गौर आएगी, और साथ जो है वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुख्तलिफ मराहल में वो भी शुरू करने जा रही है अपोजिशन। तो यकीनन मामला तब जो सियासी पारा है वो आने वाले दिनों में काफी हाई होगा। अच्छा अरशद वहीद चौधरी साहब, ये भी बताइएगा आज सॉरी कल जो ये कानून साजी हुई पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में, हमने देखा कि माजी में भी कुछ चीज़ें ऐसे कानून साजी इस तरह से की गई या कुछ इकदाम ऐसे उठाए गए जब जमातें अपनी इख्तदार में होती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की बात करें, कि बाद में फिर उनको उस बात का गिला भी रहा। जैसे कि नैब की ही कानून की बात कर लें तो बार बार इस तक पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी दोनों उसको अपोज करते हुए नज़र आते हैं। तो क्या ये जो फेटिफ की इस वक्त कानून साजी नहीं हुई है इसके अंदर आगे जाके क्या हुकूमती अरकान भी इसके शिकंजे में आ सकते हैं और क्या ये उन पर भी लागू हो सकती है? जी, ये तो बिल्कुल एक अंडरस्टूड सी बात है कि आपने सारी उम्र हुकूमत में नहीं रहने होता, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल अगर आप माजी की तारीख उठा के देखें तो जिसने भी अगर किसी के लिए उसकी नीयत ऐसी थी कि उसने गड़क होता है तो एक दिन उसको खुद ही उसका सामना करना पड़ा है। और एक मकाफात अमल भी है, अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करें तो देखें उन्होंने जो सेंटर सैफुररहमान की शक्ल में उस वक्त जो एक स्टाफ ब्यूरो बनाया और फिर जो कुछ उन्होंने किया आज वो उन्हें खुद भुगतना पड़ा उसमें, उसके बाद नैब की शक्ल में। और इसी तरह जो कानून साजी उन्होंने अपने दौर में की थी एक दहशत गर्दी के सामने रखते हुए उस वक्त, उसकी उसमें भी उन्होंने बात की ऐसी डाली थी जिसका आज उन्हें सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह उन्होंने एक पीका का जो कानून था वो मुतारफ कराया, उसके भी अब फेस करना पड़ रहा है। उसके भी केसेस जो हैं वो अगर आप देखें तो उनके रहनुमाओं के खिलाफ भी दर्ज हो रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी नैब के ये जो जब हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने बड़ी कोशिश की जिसमें अक्रॉस द बोर्ड जो है वो अकाउंटेबिलिटी हो, और खास तौर पे इसमें जो बहुत से इदारे इसमें शामिल नहीं है उनको भी काबिले इस्तेमाल बनाया जाए, लेकिन तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस नैब में तरामीम के लिए उसमें उन्होंने तआवुन नहीं किया। और आखिरी लम्हात में जब आखिरी उसकी शिकों पर गौर जारी था तब सेनेटर उस वक्त फरहतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उस कमेटी में शामिल थे, तो उन्होंने अपना पार्टी की क्यादत के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए उन्होंने उस पार्टी से पार्लियामानी जो कमेटी थी एहतसाब के कवानीन में तरामीम के हवाले से उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और आज वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके चेयरमैन लावल चेयरमैन उनके शरीक चेयरपर्सन जो है आसिफ अली जरदारी उनसे लेके उनकी उनकी बहन जो है और तमाम जो अहम रहनुमा हैं वो इस वक्त मुकदमात भुगत रहे हैं। तो ये खुर्शीद शाह को देखें वो कब के अंदर हैं। तो इस तरह ये वो कवानीन हैं कि जो जब इनके पास अल्लाह ताला ने इन्हें मौका दिया था और इनके पास उस वक्त ऐसी अच्छी अक्सरियत भी मौजूद थी कि ये मिलके उसको ख़त्म कर सकते थे, उसमें तरामीम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं की तो इन्हें भुगतना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त यकीनन वो जिन हवाओं में नजर आ रही है, लेकिन वो शायद उन्हें इस वक्त इकतदार में होते हुए नजर नहीं आ रहा है, वो बंदा भूल जाता है कि कल को इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होनी है। और कल को ये जो शिकंजा दूसरों के लिए कस रहे हैं यकीनन इसका सामना उन्हें खुद भी करना पड़ेगा। और अगर आप देखें तो इनके तो मामलात भी ऐसे हैं कि अगर आप उठा के देखें फॉरन फंडिंग केस कब से वो चल रहा है और उसमें जो कुछ हुआ है, फिर अभी ये पीआरटी के केसेस हैं, बिलियन टू इकोनॉमी के हैं, मतलब यू जस्ट नेम इट, जितने भी इस वक्त इनके केसेस मौजूदा इस वक्त उनकी रफ्तार आपके सामने, बेशक वो है कि वो दबाए गए हैं कस्बे की रफ्तार से वो या उस तरह किसी की नजर नहीं जाती, लेकिन ये वो तमाम चीजें हैं कि पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रखा जाए तो ये एक एक करके कल तो इनके सामने आएंगी और इन्हें फेस करना पड़ेगा। सही, इट्स लाइक यू जस्ट नेम इट एंड हियर इट। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा बस लास्टली कि इस वक्त जब ये कानून साजी कल हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से या हुकूमती अरकान में से किसी ने इसको अपोज किया है खुल के?
नहीं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो अरकान हैं वो ऑब्वियसली ऐसे किसी भी कानून साजी को वो खुल के उनमें से कोई बंदा पोज नहीं करेगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर उनमें से किसी के रिजर्वेशन होती हैं पार्टी की क्यादत के हवाले से, तो फिर वो ऐसे इजलास जो होते हैं उनसे कोशिश करते हैं कि वो दूर रहें, अपना वोट उसमें ना डालें। तो इसमें भी अगर हम देखें तो पीटीआई के भी कल 5 लोग जो कौमी असेंबली के थे वो इसमें गैर हाजिर रहे हैं, और इसमें वो सरदार जो अहमद हुसैन डेर हैं वो भी शामिल हैं, जो बड़ा बरला इजहार करते हैं अपने इख्तलाफात का। और इसके अलावा उनके जो दीगर लोग थे उनमें अब्दुल मजीद खान हैं वो भी नहीं आए, और इसके अलावा आमिर लाकर साहब आप जानते हैं उनकी क्यादत के साथ जो हैं वो तफजात उनके काफी हैं, तो वो भी इजलास से गैर हाजिर रहे हैं। हाजी इम्तियाज चौधरी और आसिम नजीर थे वो भी नहीं आए। तो ये टैक्टिक्स होते हैं कि अगर आपको पार्टी क्यादत के साथ कोई गिला शिकवा है या आपके तफजात हैं तो फिर जब पार्टी को जरूरत होती है इस तरह के आम मौके पे तो फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आप गैर हाजिर होते हैं। ठीक है, वो इसको आप इस शक्ल में कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरशद भाई चौधरी साहब, सीनियर सहाफी एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। और जी ये सारी जो जिस तरह से उन्होंने बात की फेटिफ के हवाले से, और यकीनी बात है कि जो भी कानून साजी माजी में हुई उसका शिकार फिर माजी की जमातें अब अपोजिशन में आके फेस कर रही हैं जिनको वो पहले सही समझती थी। और इस वक्त भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिन चीज़ों को ठीक समझ रही है और अपोजिशन को जिस चीज़ों पर गिला है या रिजर्वेशंस है उनको एड्रेस नहीं कर रही, आगे जाके वो अपने ही खिलाफ चीज़ें उनके खड़ी हो सकती हैं जो कि बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करेगी। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद बीआरटी सर्विस 13 अगस्त को केपी के जैसे बड़े सूबे के अंदर शुरू हुई और उसके बाद 16 सितंबर को मुअत्तल कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मेगा प्रोजेक्ट था, सिग्नेटरी प्रोजेक्ट था, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार मेरे प्रोग्राम से लेकर तकरीबन हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि यह हमारा सिग्नेटरी प्रोग्राम है और इसके ऊपर ही हम अगला इलेक्शन भी जीतेंगे। ये दावे और वादे मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ रहनुमा करते हुए नज़र आए, लेकिन एक महीने बाद ही प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। आग लगने के पैदर पे वाकयात पर पेशावर बीआरटी सर्विस को अब मुअत्तल कर दिया गया है। बीआरटी बसों में आतिशबाजी और ख़राबी के कई वाकयात सामने आए, और साथ ही साथ बीआरटी बस सर्विस को जो है मुअत्तल किया गया है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर ने यह कहा, बस बनाने वाली कंपनियों की टीम बसों का मुआयना करेगी, तर्जुमान ये भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इतना अरसा लिया गया 2 से 2.5 साल का, और उसके बाद जो है पहले बार बार उसके इफ्तिताह के बाद एक जो है वो टाइमलाइंस देते गए, लेकिन उसके बाद भी अब जब शुरू हो गई 13 अगस्त को तो बहुत ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये बीआरटी का मनसूबा जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, और बहुत सारे उस वक्त भी उन्होंने इफ्तिताह करते वक्त दावे और वादे किए। लेकिन 13 अगस्त को शुरू होने के बाद 16 सितंबर को मुअत्तल किया गया, बड़ी ही ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि इसके बाद जो है मुअत्तल करने के बाद केपीके के लोग जो लोगों में खासी मायूसी नज़र आती है, जिनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि उनको एक बड़ी ही खुशायन बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इसको मुअत्तल करने के बाद वहाँ पर एक मायूसी की लहर दौड़ गई है। इफ्तिताह के बाद ही अब ये एक महीने के बाद खराबी की वजह क्या हुई है, क्यों फ्लॉप हुई है, और सवाल ये है कि इसमें आतिशबाजी और ख़राबी के कई वाकयात क्यों पैदर पे पेश आए, इस पर भी मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले तो महमूद जान बाबर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं आप, आपको खुश आमदेद कहती हूँ के पी से ही। थैंक यू सो वेरी मच महमूद जान बाबर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला, मैं आपकी तरफ आती हूँ। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शब्बीर साहब, मोहम्मद शब्बीर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। एमपी बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमें ज्वाइन किया। मैं महमूद जान बाबर साहब आपकी तरफ आऊँगी। 13 अगस्त को शुरू होने वाली बीआरटी सर्विस 16 सितंबर को मुअत्तल कर दी गई, तकरीबन एक महीने का अरसा पैदर पे वाकयात हुए, फनी खराबी आतिशबाजी के मामलात बढ़ते गए और अब जाके इसको मुअत्तल कर दिया गया है, क्या वजह है, क्यों इतनी फॉल्ट्स, क्यों इतनी नालायकियाँ नज़र आ रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये बार बार बेबाग दहल और दावे करती रही कि ये हमारा सिग्नेटरी प्रोजेक्ट है।
देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को खुद भी इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि जब ये बस चल पड़ेगी ना जी, तो इसमें इतनी ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, और इनका ये ख्याल था कि बस अब इस ये शुरू ही हो के नहीं दे रही तो चलें इससे जान छुड़ा लेते हैं, तो जल्दी उसका इफ्तिताह कर दिया गया। और एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक मेगा प्रोजेक्ट है, 100 अरब रुपए के करीब इसकी जो तखमीना और मालियत जो अब तक खर्चा आया है वो सब इसके बारे में बताया जाता है। हमें पहले ये बताया गया था ये 36 अरब रुपए का है, अब ये जो है ये 100 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। वक्तन फवक्तन गलतियां निकालते 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 वो सब कुछ करते करते तो इन्होंने जल्दी में इसे शुरू तो कर लिया, और इमरान खान साहब तो पहले इसे ओन भी नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में जाके इन्हें शायद कुछ एहसास हुआ कि चले इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन ही गया है तो आके इसके इफ्तिताह कर दिया, और उन्होंने पर खड़क साहब को इस पे दाद भी दी थी। लेकिन जैसे ही ये शुरू हुआ और जिस तादाद में लोग इसमें सवार होना शुरू हुए, और इनके पास बसों की भी कमी थी, यानी 200 से ज्यादा बसें इसमें चलनी थी लेकिन 128 बसें लाई गई और अभी मजीद बसें भी आना बाकी हैं, तो ये लोगों का लोड भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। और जो जिस तरीके से इसके लिए ट्रैक बनाया गया है उसमें जो चढ़ाइयां हैं, जो इस पे चढ़ाई है उस पे जो बस चढ़ती है और इतने ज्यादा लोग इसमें होते हैं तो वो इतना लोड उस पे आ जाता है कि उसका सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, उसमें आग लग जाती है। तो अब तक जो आग लगी है 3 तो आ चुकी है, हमारे उस दोस्त मुल्क की बसें मंगवाई गई थी तो वहां से 3 आ चुकी है। पता ले रही है कि ये तकनीकी और गैर तकनीकी जो नुकसान है वो जो इसके नकायज है उसको रिमूव किया जाए। तो ये तमाम 128 बसों की इस वक्त चेकिंग होगी और ये तमाम बसें ग्राउंड कर दी गई हैं, जो सबसे बड़ा जो इनका डिपो है उसमें तमाम बसें खड़ी हैं और अब उनका जायजा लिया जा रहा है कि दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, क्योंकि बसें जी बसें हाइब्रिड बसें हैं। अच्छा, हाइब्रिड बसें हैं। मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी, मैं मुझे तबर साहब ये बताएं कि क्या ये एयर कंडीशन बसें नहीं है, क्या ये नॉर्मल बसेस हैं जैसे हम कराची में देखते हैं कि उस पर एक के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और छत पे भी लोग चढ़े हुए हैं, क्या इस तरह की सिचुएशन होती है वहाँ भी? मैं आपको ईमानदारी वाली बात बताऊं, हाँ, किसी भी चीज पे तजिया उसका जायजा लेना जरूरी होता है। पर तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की और मैं इसमें चला गया। हाँ, जो मैंने इस सफर किया वो सफर बहुत ही अच्छा था। अच्छा, इसमें एयर कंडीशन बहुत अच्छा चल रहा है, वाईफाई भी उसमें है, मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम भी उसके अंदर है। हाँ, लेकिन बात यह है कि उसका पहले से अंदाजा नहीं लगाया गया था कि जिस तरीके से ट्रैक बनाया गया है, जब ये गाड़ी आहिस्ता थोड़े से फास्ट और मुसलसल उसको चढ़ाई पे चढ़ के दूसरी तरफ उतरना पड़ता है, तो इसके लिए इसे अपने फुल मेरे ख्याल में उसमें आने ये मोशन में आने के लिए इसको थोड़ा फासला चाहिए होता है, लेकिन उस ट्रैक में फासला नहीं है इतना। अच्छा, जैसे ही बस रवाना होती है इसे बहुत बड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, जब वो उस पे चढ़ती है उससे इतना उसको जोर लगाना पड़ता है कि इसको शायद आग लग जाती है। लोग इसके बारे में कह रहे हैं, जितने टेक्निकल लोगों से मेरी बात, कैपेसिटी कितनी है एक बस में, लोगों की कैपेसिटी कितनी है और कितने ज्यादा लोग उसमें आ जाते हैं? बसें तो मुख्तलिफ है, छोटी बसें भी हैं और बहुत लंबी बसें भी हैं। ओके, यानी इस एक बस में जो है वो जो हम बाहर ममालिक में देखते हैं तरीके से दो बसों को जोड़ा जाता है, तो इसके जो इसका जो रूट है, जो मेन रूट है उस पर वो बसें चलती हैं, लेकिन ये जो पेरिफेरल ये जो छोटी बसें चलती हैं, सिंगल बस चलती है, सिंगल बस हमारी जो होती है 42 सीटर जो हमारे दीगर शहरों को आती जाती है बैनुल अज़ला उस पर, तो ये इतनी लंबी बस होती है, लेकिन उसके ट्रैक पे दो बसों को जो जोड़ के जिस तरीके से बनाया गया है जो बाहर ममालिक में होता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने तुर्की का BRT देखा है, मेट्रो देखा है, इराक का देखा है, मैंने अमेरिका का देखा है, लेकिन ये उससे बेहतर है, उसके बराबर ही का है, लेकिन शायद इनको अंदाजा नहीं था इनको कैसे बनाया जाए ताकि ये ठीक तरीके से चल सके। तो वो जो करप्शन की बातें हो रही थी उसका भी अभी जायजा लिया जाना जरूरी है कि शायद बसें कमजोर खरीदी गई हैं, ट्रैक ठीक नहीं बनाए गए, वो सारी चीजें जब इसके अंदाजा मुकम्मल लिया जाएगा तो फिर उसके बाद पता चलेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम मेजर बुनियादी ये भी कि जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा लोग बैठ रहे हैं उसमें। जी, लोग एक्साइटेड हैं दरअसल। अच्छा, यहाँ पे लोगों को पहली बार इतनी अच्छी सर्विस मिली है, मैं ये ईमानदारी से ये बात कर रहा हूँ, तरीके इंसाफ का मैं बहुत बड़ा नाकिद हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को अच्छी सर्विस मिली है और पहली बार लोगों ने इतना अच्छा वो सर्विस यानी बस में सफर किया है, तो इसलिए लोगों को ऐसी सर्विस चाहिए। अच्छा, सड़क के हर तरफ दोनों तरफ रश होती है,
ट्रैफिक जैम होता है तो इसमें ये बस जरा सुकून से जा रही होती है, तो लोगों ने भी कहा कि अभी अगर हमें जल्दी पहुंचाया जा रहा है तो अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि एक अभी इसका तकनीकी जायजा लिया जा रहा है वो भी, और इसमें जो मसाइल हैं उस मसाइल की जिम्मेदारी जिस पे आती है उसका भी जायजा लिया जाना चाहिए, और ये जो इसका केस भी आपको पता है नैब में है ना जी जी, तो वहाँ पे भी इसका जायजा लिया जा रहा है कि यार इसमें जो पैसे अगर किसी ने करप्शन की है तो वो सारी चीजें अब सामने आएंगी। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, लेकिन सर्विस अच्छी है, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, लोग उसमें बैठना शुरू है, इसी वजह से ये मसाइल भी बने हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर साहब आपका कि आपने इसके ऊपर सारी ब्रीफिंग दी हमें। मैं चलूँगी मोहम्मद शबीर साहब की तरफ। मोहम्मद शबीर साहब, कैपेसिटी कम है, लोग एक्साइटेड भी हैं, लोग बहुत चढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो कि बड़ी मतलब मायूस कुन है, और इसके बाद मायूसी की लहर भी दौड़ गई है कि पीमे के जी इतना मेगा प्रोजेक्ट था, सिग्नेटरी प्रोजेक्ट, आप तो यहाँ उसको कह के गए प्रोग्राम में मेरे आप लोग सारे के जी हमारे लिए तो ये एक सिंबल होगा अगली दफ़ा इलेक्शन जीतने का, वो एक महीने बाद ही मुअत्तल हो जाए तो बड़ा दुख भी होता है, बड़ी दिलाजारी भी होती है। आखिरकार अब टीम भी आ चुकी है वैसे तो इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन बहैसियत पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत होने के और उसका मेंबर होने के, आप लोग की क्या जिम्मेदारी है कि इसको किस तरह से जो है वो मैनेज किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 36 अरब का प्रोजेक्ट था, 100 अरब तक पहुंच गया, दो कुछ 6 महीने का इनिशियली टाइम दिया गया, फिर 3 साल में जो है वो मुकम्मल हुआ, और 3 साल के में मुकम्मल होने के बाद भी 1 महीने बाद ही बंद हो गया। आपका शुक्र अदा करूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। देखिए बीआरटी के ऊपर तो हम सब बातें कर रहे हैं, और लेकिन बीआरटी के पीके में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसने जो आवाम से वादा किया था उसको पूरा किया, और लामाला मुअत्तल नहीं किया, रुक गया कुछ अर्थे के लिए। लामाला वहाँ की अभी जैसे आपके महमूद साहब भी फरमा रहे थे, तर्जुमान ट्रांस पेशावर ने कहा है कि बीआरटी सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। मुअत्तल के बाद रुक जाना ना, मतलब खत्म नहीं की गई। हाँ, कुछ हाँ, टेक्निकल जब प्रॉब्लम होती है, अगर आपके भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो आप कुछ दिनों के रुक दें, क्योंकि आतिशी का जो आग का वाकया हुआ, आग लगने का या जलने का, ये लामाला कुछ ना कुछ टेक्निकल मसाइल हैं, और ये सारी बसें जो है पाकिस्तानी दुआई नहीं, ये बाहर की, इसके टेक्निकल लोग अलग हैं, तो हमें लामाला हमारे लोगों को भी सीखने में कुछ टाइम लगेगा, और अभी बाहर के लोग भी आ गए जो इस कंपनी के लोग थे, इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसको दोबारा बहाल किया जाए, और जो जैसे कि अभी कहा गया कि नैप में केस जा रहे, तो मैं समझता हूँ इसमें हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई बीमारी हुई है या धांधली हुई है या इसके डिज़ाइन, आपको पता है किसके ज़माने में शुरू हुआ था, इस वक्त कौन है आपके मिनिस्टर बैठे हुए, परवेज़ खटक साहब जी जनाब, परवेज खटक के ज़माने में शुरू हुआ था, सीएम थे पंजाब के, मैंने सॉरी पंजाब के नहीं, केपीके के, सॉरी केपीके के, हाँ सॉरी मैंने आपसे कहा ना क्या, इसमें कोई भी इन्वॉल्व हुआ और उसने अगर कोई चीज़ की होगी तो अभी भी वजीर दिफा बन के बैठे वजीर आजम इमरान खान साहब, उसको किसी भी, देख अभी तो अफवाह चल रही ना, एक टेक्निकल चीज़ ख़राब होती है, बड़ी बड़ी आप मशीनरी लाते हैं, मशीनरी कभी सर, आप लोग कोर्ट में भी इसको स्टॉप करा दिया था इस मामले को, ये जब नैब में गया है केस, तो इसलिए अफवाह तो नहीं है। देखिए मशीनरी अभी तो अभी जो रुका है, देखिए मामला का तो है, करप्शन है तो उसने किसी को फेवर नहीं की जाएगी, किसी को भी एक्स वाई जेड, वो कोई भी हो, वो खटक साहब हों या कोई भी हो, अगर उन्होंने अवामी बजट से या अवामी प्रोजेक्ट में अगर माल बनाने की कोशिश की है तो मैं समझता हूँ कोई भी होगा, और हम समझते हैं कि उसके खिलाफ इत्तेहाद होना चाहिए। शबीर साहब, यहाँ पे सिंध में जब ऐसा हुआ कि जी बसें आने की बात हो रही थी, 100 बसों की, 200 बसों की शुरू में जब बात की, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने जो सिंध के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे जब उन्होंने जिस तरह की बात की, और यहाँ पे जब लाइंस की बात होती है तो यहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि जी वो आखिर में 10 बसें आईं और ये हुआ वो हुआ, फिर वो भी जब इस तरह के कोई हर किस्म के रीजंस दे देते हैं तो आप कहते हैं कि भाई यार रीजंस ना दें या काम करके दिखाएं। अब वहाँ पे हम देख रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट चीज़ नज़र आ रही है कि एक प्रोजेक्ट जो 3 साल बाद मुकम्मल होकर जो है वो ऑन एयर होता है, वो जो है वो स्टार्ट होता है, 3 साल बाद मुकम्मल होने के बाद स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद जो है ख़ास तौर पर जो है वो इस तरह से हमने ये भी देखा कि 36 अरब से 100 अरब पे पहुंच जाता है, तो इसमें इसमें ये कहना कि जी हम करेंगे, हम किसी को करने देंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद क्यों नहीं कोई एग्जांपल सेट करी, क्यों जब नैब में गया, क्यों जब आप लोग पेशावर हाई कोर्ट में गया तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने कोर्ट में जाके रुकवा दिया, इस पर स्टे ले लिया,
फिर उसके बाद जो है इसको प्रॉपर एग्जीक्यूट भी नहीं किया कि एक महीने के अंदर ही उसको बंद करना पड़ गया। फिलहाल देखिए आपने फिलहाल तीन गंभीर की बात की कि मैं वो बात करना नहीं चाह रहा था, अगर नहीं, मैं इससे याद दिलाना चाह रही हूँ कि आप लोग कहते हैं ना, तो नहीं वो भी हम बता दें, लेकिन हमने प्रोजेक्ट बनाकर शुरू किया, ठीक है वो एक महीने बाद रुक गया, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ तो कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाए ना कि ग्रीन लाइन हो ऑरेंज लाइन लो, जो सिंध गवर्नमेंट ने ये तो इनकी हम वहाँ आपको शायद हम 13 के बाद वहाँ पर आए, ये यहाँ पर 8 थे, यहाँ पर 2008 से इन्होंने 12 साल हो गए, 12 साल में देखिए फिर हमारा जो मियार है या हमारी कारकर्दगी उनसे ज़्यादा अच्छी है कि हम 8 साल हुए, हमें 7 साल हुए, हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, आवाम से जो वादा किया उसको लेकर भी आए मार्केट में, और हमारे मुखालफिन भी बात पे हिमायत करते हैं कि जनाब एक अच्छा प्रोजेक्ट था कि जनाब अभी आप ही के सामने कहा ना कि यूरोप से अमेरिका में उन्होंने सफ़र किया, उससे कई गुना अच्छा लगा उन्हें, तो इस तरह के मियार ही लिया थे हमने, उससे अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उससे वादे के अलावा कुछ क्या किया, सिर्फ वो 1100 बसों से 11 बस, 11 से 2 बस, और अभी तक शुरू नहीं कर पाए। भला चलें हम बोलते तनकीद की जाती है, अगर हम तनकीद करते हैं तो तनकीद का ये होता है कि आप जवाब दें, लेकिन वो इतने बेहिस बेहदरम है कि उन्होंने आज तक उसको जवाब ही नहीं दिया ना, हमें अगर कोई तनकीद करता है तो हमने शुरू तो किया ना आपके सामने, चलो एक महीने बाद बंद हुआ लेकिन मुअत्तल हुआ, यानी काम शुरू करने या टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, लामाला एक नया प्रोजेक्ट आता है उसमें टेक्निकल बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं, अगर आप एक बिल्डिंग बनाने जा रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लमें आती हैं टेक्निकल बात, लेकिन शुरू किया, नियत तो है ना शुरू करने की, इनकी तो नियत ही शुरू नहीं, 3 years is a long tenure, मैंने कहा ना कि इनके 12 साल में, अच्छा उसको छोड़े ना कैची के मेगा प्रोजेक्ट में आप देख लें कि जो ग्रीन लाइन भी वो फेडरल का प्रोजेक्ट था एक्चुअली, जो यहाँ ऑरेंज लाइन पे आप कह सकते हैं कि बसें लाने का वादा सिंध गवर्नमेंट ने किया था, लेकिन इंशाल्लाह अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कराची के हवाले से, इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट हमारा मेन उसने ट्रांसपोर्ट पानी गार्बेज और सीवरेज का निजाम हमारा जो पहला वो टास्क है, और इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश नहीं बल्कि हम जद्दोजहद करेंगे कि 3 साल के अंदर अपने जो 1100 अरब का जो ऐलान हुआ उसको पूरा करेंगे, और इंशाल्लाह कराची को एक मेगा सिटी नहीं बल्कि इंटरनेशनल। अच्छा ये बताएं, ये आरजी तौर पर मौतल है, अब ये आगे कब तक जो है वो बहाल हो जाएगी, और फिर कब तक जो है वापस इसको जो है बीआरटी में, या फिर ये ऐसे ही रह जाएगा? नहीं ऐसा नहीं, टेक्निकल लोग वहाँ उनको बुलवा लिया गया है, बाहर से जो लोग आए हैं, अगर हमें मुअत्तल करना होता है बिल्कुल ख़त्म करना होता तो शायद हम तकद्दुत नहीं करते, अगर मेरे घर का टीवी भी ख़राब हुआ तो लामाला मैं किसी को बुलाऊंगा, अगर घर पे टीवी पड़ा रहेगा तो इसका मतलब मैं टीवी बनाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैकेनिक को बुला कर लेकर आए तो उसका मतलब मैं बनाने के मूड में हूँ, मैंने बनाने जा रहा या गाड़ी बनाने जा रहा, तो मैकेनिक जो उसके एक्सपर्ट थे उनको बुलवा लिया गया, ठीक है इसमें हम अपनी वो भी कर सकते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान में ऐसा एक्सपर्ट नहीं दे जो बना सकते थे, तो हमने इस बात से कोई मायूब नहीं समझा, हमने बाहर से बुला लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शब्बीर साहब आपके मौकिफ का भी। इसी के साथ ही नाज़रीन अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त, पाकिस्तान जिंदाबाद।